हे गाइस, दिस इज कुमित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए मैंने HTML, CSS और JavaScript का इस्तेमाल किया है। इसमें HTML का पार्ट बहुत छोटा है और CSS का पार्ट भी बहुत छोटा है, और इसके बाद JavaScript में भी ज़्यादा काम नहीं है। और आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे जो करंट टाइम है वही शो कर रहा है।
तो हाँ, अब कोड करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जो ये पार्ट है ये मैंने HTML क्रिएट किया, जिसमें मैंने दो div क्रिएट किए। और इसके बाद ये थोड़ा सा पार्ट CSS का है, जिसमें मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया। और HTML और बॉडी टैग में मैंने हाइट 100 PH दी, और बॉडी में डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर, जो कि ये जो डिव है ये सेंटर में आ जाए, और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा जो डार्क कलर है ये मैंने दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लॉक जो मैंने यहाँ पे डिव बनाया है उसको मैंने सेलेक्ट किया, और उसमें इसमें मैंने एक बैकग्राउंड कलर दी। और बैकग्राउंड कलर देने के बाद यहाँ पे मैंने हाइट, ये जो क्लॉक का डिव है इसको मैंने हाइट दी, बॉर्डर रेडियस दिया 9 पिक्सल का, लाइन हाइट 120 पिक्सल का दिया, और जो टेक्स्ट अलाइन है जो कि इस डिव में जितनी भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, इसके लिए मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस्तेमाल किया। पैडिंग मैंने 0 और 30 पिक्सल दी, और इसको थोड़ी सी बॉक्स शेडो भी दी। और इसके बाद मैंने जो डिस्प्ले है यहाँ पे, डिस्प्ले जो यहाँ पे डिव है इसको मैंने फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, ताकि जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। और इसके बाद मैंने कलर रेड दिया, और लेटर स्पेसिंग 6 पिक्सल, फॉन्ट साइज सनसेरिफ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। और इसका रिजल्ट ये है, ये करंट टाइम दिखा रहा है, ये जो करंट टाइम है, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें टाइम चेंज नहीं होता, जो करंट टाइम है वही दिखाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, जावास्क्रिप्ट में सेट इंटरवल फंक्शन मैंने यहाँ पे रन किया। और इसके बाद क्लॉक को मैंने यहाँ से जो डिव था उसको मैंने एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया, जो कि कॉन्स्ट वेरिएबल है। और इसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वायरी सेलेक्टर डॉट डिस्प्ले जो कि क्लास है उसके ज़रिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया लेट के नाम से, और इसमें टाइम मैंने न्यू डेट, जो कि न्यू डेट यहाँ से ये इंपोर्ट करता है, ये मैंने इस्तेमाल किया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने गेट सेटिंग और लेट मिनट, लेट हावर, लेट डे ये सब इस्तेमाल किया। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी इफ़ कंडीशन इस्तेमाल की यहाँ पे, हर कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे पहले हावर, जो कि अगर 12 से ग्रेटर देन है तो ये PM होगा, और अगर 12 से लेस देन है तो ये AM होगा। और यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन में यहाँ पे 12 डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये भी इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है। इस कोड का जो लिंक है, इस ये कोड सोर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।